तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं माँ आदि लक्ष्मी जी का मेकओवर डॉल के ऊपर तो ऐसे ही अष्ट लक्ष्मी माँ का जितने भी स्वरूप है ना जो हम आपको आगे की वीडियोज़ में दिखाने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ सबसे पहले हमने गुड़िया ले लिया कोई भी डॉल ले सकता है ज़रूरी नहीं आपको सेम यही साइज़ ऐसे ही चाहिए कोई भी डॉल से बना सकते हैं मेकओवर ऐसा ही रहेगा हमने सबसे पहले बाल निकाल लिए हैं और अब यहाँ पर हम कर रहे हैं स्किन कलर वो क्यों कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं आईज थोड़ा सा डिफरेंट है हमें थोड़ा पूरा लुक चेंज करना है तो इसलिए इसके कलर कर रहे हैं और ये कैसे बनाते हैं ना घर पर इस ये भी इसके भी एक वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं तो जब हमारा स्किन कलर अच्छे से ड्राई हो गया है उसके बाद हम यहाँ पर आईज आईब्रोज पहले पेंसिल से बना लेंगे ताकि कोई मिस्टेक रहने की कोई गुंजाइश ना रहे एंड देन यहाँ पर थिन ब्रश लेकर बाकी की डिटेलिंग यहाँ पर हम कर रहे हैं छोटी मोटी जो भी सारी चीज़ें हैं आलता वगैरह हाथ में लगाया जाता है पाँव में लिप्स मतलब जो एक कलर हमने पिक कर लिया है ना उससे हम सारा कर लेते हैं जैसे रेड किया है तो बिंदी भी लगा लेते हैं लिपस्टिक का कलर और जो आलता है वो सब कर लेते हैं एंड देन तब तक हमारी आई का भी कलर ट्राई हो गया है तो आई बॉल वगैरह बना रहे हैं यहाँ पर तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करने के बाद जो देखोगे कि जो पुरानी डॉल और इस डॉल को अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं एंड देन यहाँ पर हमारा पाँव में रह गया था वो लगा देते हैं अब हेड क्योंकि वैसे तो हम विग बनाने ही वाले हैं बट उससे पहले ना बेस ब्लैक कलर करना ज़रूरी है अदरवाइज़ क्या है ना जब आप विग लगाओगे तो वो स्किन कलर विजिबल होगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए हम यहाँ पर पूरे हेड के सफेस पहले एक एक ड्रॉ कर रहे हैं आइडिया ले रहे हैं कहाँ कहाँ हमें करना है तो उसके बाद हम यहाँ पर पूरा हेड कलर जो है पेंट कर देंगे तो पूरा जो है जो बाहर वाला पार्ट है वो सारा हमें इसे ब्लैक कलर से ही करना है तो ऑलमोस्ट हमारा जो है हेड पूरा जब पूरा अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तब तक यहाँ पर मैं एक पेपर ले रही हूँ जो कि हार्ड पेपर होता है जैसे कि आपका ये तो मैंने गुड्डे के बॉक्स का पेपर यूज़ किया इनविटेशन कार्ड यूज़ कर सकते हैं इससे हम ना उनके भुजाएं बनाने वाले हैं तो जो स्किन कलर हमने डॉल में किया वही हम यहाँ भुजाओं में भी करेंगे तो इसका पर्पज़ ये ये भी है क्योंकि सेम कलर हो जाएगा तो इसी दोनों में हमने स्किन कलर बना कर, कर दिया था तो सेम मालथा टाइप जो हमने लगाया था वो यहाँ पर भी लगा देंगे क्योंकि हमारे शस्त्र अलग अलग हैं तो उस शेप से हमने बना दिए हैं अब इन्हें हम यहाँ पर आ, कलर कर रहे हैं जो छोटे छोटे हमने वेपन्स बनाए हैं ना तो उनको कलर कर लेते हैं यहाँ पर पिंक कलर या जो भी है एंड फ्रेंड्स ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं और बहुत सारी ऑलरेडी हमने बनाई हुई हैं आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं जो सबसे पहला कमेंट है ना उसमें हमने एक लिंक पिन किया गया है किया हुआ है आप उसे क्लिक करेंगे तो सारी डॉल्स रिलेटेड वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी एंड आई एम श्योर आपको अच्छी लगेंगी तो ज़रूर देखिएगा और ऐसी फीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं देन बेल बटन दबा दीजिए तो उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री होता है तो देखिए हमारे कटआउट्स रेडी हो गए हैं अब यहाँ पर हम लेस लगा रहे हैं तो बैंगल का जो टच है वो हम लेस से दे रहे हैं तो हमने वो लगा दी है एंड तो देन यहाँ पर जो हमारे वेपन्स हैं उनको भी चिपका देते हैं दोनों साइड्स में तो ये हमारी पूजाएँ तैयार हो गई हैं दोनों अच्छे से तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ तो अब हमारे जो है रेडी हो चुकी हैं ये सब अब बना रहे हैं हम विग तो विग बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ ऊन और एक स्टिक ले रहे हैं तिनका का ले सकते हैं पेन ब्रश का बैक साइड भी यूज़ कर सकते हैं और एक लेंथ ले लेंगे डॉल के ही हिसाब से छोटे बड़े आप उस हिसाब से रख लीजिए तो सेम लेंथ के हमें स्ट्रेंट्स लेने हैं उनको इस तरीके से इसमें डाल देंगे एंड हमें एक पूरा एक बंच बनाना है अच्छा सा वॉल्यूम वाला ताकि उतना ही वॉल्यूम हमारे विग बालों में आए अब इसमें ग्लू लगा देंगे कोई भी पी वे ग्लू लगा सकते हैं तो आज के वीडियो का कोई जे है आपको हमें ये बताना है जो आदि लक्ष्मी जो माता रानी है उनके शस्त्र के नेम्स क्या हैं वैसे तो हमने दिखाया हुआ है बट आप कमेंट्स में जल्दी से लिख दीजिए कि उनके शस्त्र के नेम क्या हैं तो जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा तो हमने निकाल कर इसे टू पार्ट्स में हम कट कर रहे हैं कट करने के बाद हम यहाँ पर सिंपली ग्लू लगाएंगे और हम अपने विक को चिपका देंगे क्योंकि ये हॉट ग्लू है तो इंस्टेंटली चिपक जाता है अदरवाइज दूसरा है तो आपको थोड़ी देर से प्रेस करके रखना पड़ेगा तो अपोजिट साइड्स में हम ऐसे लगा देंगे तो लगाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे जो लुक है डॉल की वो ऑलरेडी और, और भी ज़्यादा काफ़ी चेंज हो गई है एक एक फ्लिक्स उठाकर हम पीछे टाई कर देते हैं तो और ज़्यादा टाइडी हमारे बन गए हम अब यहाँ पर हम ड्रेस बना रहे हैं तो पहले टॉप बना रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर सारा काम चिपकाने का करेंगे आप चाहें तो सुई धागे के इस्तेमाल से भी कर सकते हैं ये इंस्टेंटली हो जाता है और क्योंकि हमने डॉल के ऊपर पेंट किया है तो जब हम इसे निकालना चाहें तो ये इजीली पील ऑफ हो जाता है डॉल के पेंट के साथ तो उससे हमारी डॉल भी ख़राब नहीं होती है तो ये एडवांटेज भी है हमारा पेंट करने का तो अब यहाँ पर हम ये जो फ्रंट पार्ट है उसे भी चिपका कर पीछे की तरफ ले जाएंगे एडजस्ट कर देंगे अब ये साड़ी बना रहे हैं तो साड़ी को हम यहाँ पर बस स्टिक करते जाएंगे और ग्लू लगाकर हमारे फ्रिल्स वगैरह एडजस्ट कर देंगे एंड पीछे की तरफ ले जाकर अच्छे से हमारी साड़ी को ट्रिप कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी गोल्डन कलर के साथ है तो और अच्छी लग रही है थोड़ा तो सा बॉर्डर देने के लिए मैं यहाँ पर इसमें लेस लगा रही हूँ आप चाहें तो जब आपने पहनाई नहीं की तो उससे पहले भी लेस को चिपका सकते हैं बट तो उसके इसमें बहुत ज्यादा लेस लगेगी यहाँ पर क्या है ना हम फ्रंट फ्रंट एरिया में लगा रहे हैं जिससे कि वो विजिबल होगी और लेस भी आपके ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगी वेस्ट बेल्ट का यहाँ पर हमने काम करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ लेस ले ली ले है और हम सारे ऑर्नामेंट्स ना लेस से ही बनाने वाले हैं जो कि आप यहाँ देख ही रहे हैं बैंगल्स हो वेस्ट बेल्ट हो मुकुट हो हर चीज़ इवन रेच चोकर आप देख रहे हैं हमने लेस को इस शेप में कट कर लिया ताकि वो एक ना नेकलेस का शेप ले ले और इस तरीके से हमारा जो है नेकलेस भी बन गया है एंड थोड़ी बहुत जो चेंज होते हैं क्योंकि लक्ष्मी माता है तो उनके ऊपर धन ये गोल्ड ज्वेलरी ये तो दिखाना बहुत ज़रूरी है तो मुकुट हमारा यहाँ पर तैयार हो गया है पीछे मुकुट की बैक साइड हम बना लेते हैं इस तरीके से लेस को हम राउंड शेप में कट कर लेंगे आप चाहें तो पेपर हो गोल्डन पेपर या पेपर के ऊपर गोल्डन कलर करके भी आप चिपका सकते हैं अगर आपके पास ऐसी ब्रॉड लेस ना हो तो हम यहाँ पर ऐसे चिपका देंगे तो ये हमारी बैक पार्ट इससे क्या है मुकुट का और भी लुक चेंज हो जाता है और इयर को भी हमने लेस का ही कट करके लगा दिया है और कुछ एक रत्न वगैरह जो जो है वो बिंदी वगैरह लगा सकते हैं या राइन स्टोन्स लगा सकते हैं उससे भी काफ़ी अच्छा सा दिखता है तो अब हमारे जो ये हैं भुजाएं उनको भी हम बैक साइड में चिपका रहे हैं तो ये दोनों हमारे यहाँ पर इस तरीके से हम चिपका देंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी माता खड़ी हैं हमें इन्हें बैठे हुए रूप में दिखाना है तो मैं इन्हें ना इनकी लेग्स को क्योंकि बैठने वाली डॉल तो नहीं है तो हमने चिपका दिया था अब उनका आसन बना रहे हैं तो मैंने कार्डबोर्ड के दो टुकड़े ले लिए हैं उनको चिपका दिया है ताकि थोड़ा सा एक वॉल्यूम मिल जाए और पिंक कलर का पेपर ले लिया है जिसके हम इस तरीके से पीसेस कर रहे हैं ताकि हम इससे इसमें रैप कर सके इजीली कट करने के बाद ये देखिए बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि राउंड है तो राउंड में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है तो ये सारे हम इस तरीके से पेस्ट कर देंगे और अब यहाँ पर हम पेटल्स बनाएंगे क्योंकि हमें कमल का फूल बनाना है तो हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे काफ़ी फ़ोल्ड ताकि हमारे पास एक ही बारे में एक ही कटिंग में बहुत सारी पेटल्स आ जाए एक ही साइज़ की तो इसलिए हम इसे यहाँ पर फोल्ड कर रहे हैं तो पहले मैं ड्रॉ कर रही हूँ कि हमें किस तरीके का पेटल चाहिए कमल के जो लीफ होता है ना उसी शेप में तो एक ड्रॉ हो गया है बाकी हम इसे कट कर देंगे ताकि अब इसी साइज़ के हमारे पास पटल्स तैयार हो जाए तो आप देखोगे कि जब हमारा पूरा कट हो जाएगा तो सारी पेटल्स जो हैं हमारे पास इसी साइज़ की बहुत सारी आ जाएगी तो मुझे बार बार कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड देन एक को लेकर हमें दो लेयर में से चिपकाना है पहले हम बॉटम लेयर में लगा रहे हैं और इसे कर्व कर देते हैं क्योंकि स्ट्रेट है ना ये देखिए इस तरीके से हम इसे कर्व कर देंगे तो सारे जो पेटल्स हैं हम यहाँ इसके अराउंड लगा देंगे तो एक बॉटम लेयर हो गई अब इसके टॉप पार्ट में हम लगा देते हैं तो इससे क्या है बहुत अच्छा सा हमारा कमल का फूल टाइप का आसन बनकर तैयार हो तो जाएगा आप देखोगे कि बहुत कम टाइम में और बहुत ही जल्दी झटपट हमारा तैयार हो गया तो यहाँ पर हम विराजमान करते हैं हमारी माँ आदि लक्ष्मी जी को हमारे आसन के ऊपर तो ये देखिए माता रानी बहुत अच्छी लग रही है और बहुत सुंदर हमारा स्वरूप बनकर आया है और पूरा अच्छे से हमारी तैयार हो गई है तो देखिएगा ऐसे ही बहुत सारे स्वरूप सभी उनके आने वाले हैं तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होता है एंड जो आप देखते हैं कि कम्युनिटी पोस्ट में हम क्विज डालते हैं क्विज ऑफ द डे तो उसका बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी पोस्ट को पिन कीजिए हमारे कमेंट को पिन कीजिए तो उसका मैं आपको सिंपली एक चीज बताती हूं जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा उसकी जो कमेंट को पिन किया जाएगा तो आप जल्दी से देखिए कि कौन से क्विज में कौन सी जल्दी से जल्दी आंसर आप करेंगे तो आपकी कमेंट को हम पिन करेंगे तो ये है उसका रूल एंड बाकी जो है कमेंट सेक्शन में आप जो वीडियो का क्विज है वो तो आपको बताना ही है कि क्या है एंड uh, बस यही वो वीडियो को एंड करते हैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो जल्दी मिलते हैं नए अवतारों के साथ क्योंकि अभी तो माता लक्ष्मी के हमें आठ पूरे बनाने हैं तो अभी एक ही बने बाकी और भी बने हैं इन बिटवीन हम और भी कुछ कुछ बना सकते हैं कोई और डॉल का मेकओवर कोई सरप्राइज आपको मिल सकता है और शॉर्ट्स में तो दिखाई देंगे तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में चलते बाय